दिल्ली NCR में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 24 मई तक लू चलने की संभावना नहीं नजर आ रही है। इससे पहले दिल्ली में बुधवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे थे, जिससे तापमान में गिरावट के साथ साथ गर्मी में भी थोड़ी कमी आई। वहीं गुरुवार को यानी आज मौसम साफ रहेगा, हवा की रफ्तार मध्यम रहेगी और नमी का स्तर भी सामान्य ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली में शुक्रवार से आसमान में हल्के बादल फिर से छाने लगेंगे और यह 24 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान धूल भरी आंधी चल सकती है और इसके साथ ही गरज के साथ रविवार और मंगलवार को बारिश की भी संभावना है। ऐसे में अधिकतम तापमान गिरकर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वहीं दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 29.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 30-36% तक रहा। वहीं दिल्ली में आज यानी गुरुवार को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना बनी हुई है और मौसम दिल्ली में आज साफ रहेगा। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम यहाँ भी साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। वहीं गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 46 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, आसमान साफ रहेगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार गुरुवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 181 दर्ज हुआ। वहीं नोएडा का AQI 189 जबकि गुरुग्राम का 199 रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV।